हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, आप सबको पता भी है, 5-7 दिन भी हो चुके हैं जो आपके SSCGD की वैकेंसी आई है, उनके संदर्भ में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। लेकिन मैं बताना चाहूँ, सिर्फ मैं एक छोटी सी बात बताने के लिए आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आपने सारी डिटेल्स पढ़ ली होगी, पूरा सब कुछ आपको पता है। ठीक है, डिटेल ये बता रहा हूँ कि भाई जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, कृपया करके जो अपना फॉर्म भर रहे हैं ना, उसमें मिस्टेक ना करो। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है उसके में। इसमें पूरी डिटेल्स आपको दे रखी है, A to Z सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। वो सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ के आपको कब की फ़ोटो लगानी है, कितने महीने पुराने आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, कितने महीने पुराने नहीं होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, OBC का कौन सा डालना है, कौन से रीजन से डालना है, कौन से रीजन में एग्ज़ाम डालना है, कौन सी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, तो इसके बारे में क्या हाइट है, क्या फिजिकल है, सारा इसमें नोटिफिकेशन जो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ रखा है। तो सबसे पहले सभी अपना नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करना। आप 2 दिन लेट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं ऐसी परेशानी ना हो जैसी परेशानी आपको दिल्ली पुलिस में हुई थी पहले बताने के बावजूद भी। अभी मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया जल्दी, लेकिन फिर भी मैं लेके आया हूँ, अभी इतने लेट नहीं हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी साथी हैं, SSCGD का जो फॉर्म है बिल्कुल ध्यान से भरें। अच्छा मौका है आपके पास, जितनी भी वैकेंसी है 25-27 हज़ार आपके पास मौका है, अच्छे से अगर उनको करो, अच्छे से फॉर्म भरना है। अगर फॉर्म में मिस्टेक कर दी तो बाद में आप भटकते फिरोगे, कभी SSC को मेल करोगे, कभी कहाँ जाओगे, कभी कहाँ जाओगे, कभी किसको मैसेज करना पड़ेगा, कभी किसी को। तो अपना अपना पहले देख लो, अपना जो करना है अपना पहले से करो, बाद में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, यही मैं बता रहा था। बाकी सर आपने नोटिस में पढ़ लिया होगा, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना फॉर्म अच्छे से भरना, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। कैसी तैयारी करनी है वो आपको बता दिया जाएगा, बाकी आप सब समझदार होकर तैयारी करो तो आपको पता होगा कि कैसे कुछ तैयारी करनी है। ठीक है साथियों, इसी वीडियो में इतना ही। और हाँ, दूसरी बात, जो हमारा हरियाणा कमांडो का CPOSI का बैच शुरू हो चुका है दोस्तों, उस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। जिसे भी ज्वाइन करना है, हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। तो जिसे भी आना है हॉस्टल में, आपको लॉन्ग जंप तो है नहीं, हाई जंप, पुल अप, रनिंग सब की तैयारी करवाई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। गारंटेड बैच भी अवेलेबल है, आप 93-103-37-954 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो अकेडमी के नंबर पे। ठीक है, गारंटेड बैच अवेलेबल है, तो जिसे भी ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी आओ, क्योंकि अभी मौका है, जल्दी से समय से आओगे तो अच्छा फिजिकल हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।